जय श्री सीताराम। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ, वीकली राशिफल या वीकली हॉरोस्कोप अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, आपको बता रहा हूँ। और तो हमेशा की तरह बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हालांकि मुझे पता है कि वैसे तो मेरे जितने राशिफल होते हैं, चाहे दैनिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, साप्ताहिक राशिफल हो, वार्षिक राशिफल हो, या उपायों के जो वीडियोस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं इनका। खासतौर पर उपायों के वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत आते हैं, क्योंकि रील्स वहाँ पर ज़्यादा चलती है ना। तो मेरे जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं VS एस्ट्रोलॉजी, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ और प्लेलिस्ट बनाने का जो यहाँ पर सिस्टम है यूट्यूब पर, वो इंस्टाग्राम पर नहीं है। और फेसबुक इनके बीच का एक मीडियम है जिसमें सब चीज़ें लगभग लगभग आ जाती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते जाओ नीचे नीचे तो कई बार लोगों को परेशानी होती है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए फेसबुक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हर जगह हर प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत अच्छा है, अपनी अपनी खासियत लिए हुए है, लेकिन जिस भी तीनों प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग ज्योतिष से रिलेटेड और मेरे द्वारा, पर्सनली मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो सप्ताह है ये कैसा होगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि की, फिर वृषभ, मिथुन, इसी इसी जो ट्रेंड से हम चलेंगे। लेकिन इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप राशिफल देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं सुनते हैं, तो इन्हें आप सार्वजनिक स्तर पर मानिए। हाँ जी, सामान्य स्तर पर मानिए। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि देखिए, आपके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जन्म पत्रिका तो मेरे पास है नहीं, आपकी बर्थ डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं, फिर कैसे बता पा रहा हूँ? तो देखिए, यहाँ पर ज्योतिष में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, जिसमें कि एक लग्न माना जाता है, और उसके लग्न के आधार पर जो गोचर होते हैं उन गोचरों को अलग अलग भाव में रख दिया जाता है। जब भी परिवर्तन होता है, फिर नक्षत्र तो पता होते ही हैं, तो उस आधार पर फिर उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है, लेकिन ये गोचरों के आधार पर होता है ना। तो ऐसे ही मैं चंद्र को लग्न मान लेता हूँ, जो चंद्र आपकी राशि है ना, जहाँ पर चंद्र लिखे हुए हैं लग्न कुंडली में, उसको लग्न मान लिया, तो अब क्या हो गया, चंद्र कुंडली हो गई। तो ये चंद्र को लग्न मान करके जो गोचर फिर रखे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो रिजल्ट या जो प्रेडिक्शंस निकल करके आए, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। मेरा ये तरीका है, मेरा तरीका इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक तौर पर हमारे हमारे शास्त्रों का यह आदेश है कि सार्वजनिक तौर पर यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है, तो इन्हें इन्हें चंद्र कुंडली से करना चाहिए या चंद्र राशि से करना चाहिए, है ना। तो चंद्र राशि को लग्न मानेंगे तो चंद्र चंद्र कुंडली बन जाती है। तो ये एक बात हो गई। लेकिन हाँ, मैं ये बात सबसे जरूर कहता हूँ कि यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, ना कि राशिफल पे ज्यादा जोर देना चाहिए। देखिए, राशिफल जो है वो सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। यदि कोई बड़ा निर्णय आप ले रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। हालांकि 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 मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास ऐसे ढेरों सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर तो हाइलाइट्स एक सेक्शन होता है, हाइलाइट्स में कमेंट ही कमेंट भरे पड़े हैं, जिसमें ये लिखा, सर आपके राशिफल 100% सही है। तो आप, मैं जो राशिफल दे रहा हूँ, मैं जरूर अपने मुंह से कह रहा हूँ कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है, और मेरा कहना भी इसलिए बनता है क्योंकि भाई कुंडली जब तक नहीं देखेंगे तब तक कैसे दावा कुछ कर दे। लेकिन आप सब जो कहते हैं कि ये 100% सत्य है, तो भाई आपकी बात को तो मानना पड़ेगा। हाँ, और दर्शक मुख्य हैं, जिसको बोलते हैं ना जनता जनार्दन, तो आप मुख्य हैं। मैंने तो अपनी मेहनत की, मैंने तो आपके सामने बात रख दी, लेकिन आपने उस बात को कितना माना, क्या उसकी तारीफ की या उसको नकारा, ये ज्यादा मुख्य है। तो जब आप
आपके ऐसे ढेरों सारे कमेंट्स मिल जाएंगे वहां पर हाईलाइट में, इंस्टाग्राम पर, वीएस एस्ट्रोलॉजी पर, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है 100% सत्य है। तो मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसलिए लगता है, और मैं धन्यवाद भी देता हूँ आपका, तो धन्यवाद देता ही क्योंकि आपने लिखा और आपने बताया, लेकिन भगवान का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझसे ऐसी मेहनत करवाई, उन्होंने मेरी वाणी ऐसी की जो आपको लग गई। हाँ, वाणी, ज्योतिष में वाणी का लगना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भगवत कृपा के बिना कुछ संभव नहीं, भगवत कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। मैं बोलूँ मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया है ना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत से ही सब कुछ हो रहा है, नहीं जी नहीं। मैं मेहनत करता हूँ ठीक है, लेकिन उस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, वो प्रभु देते हैं। हाँ, तो ये बात हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि बैठे रहना है, मेहनत करना है, लेकिन मेहनत का फल प्रभु देते हैं। और फिर नज़रिया यही होना चाहिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, नज़रिया हर किसी का यही होना चाहिए क्योंकि सच्चाई में यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये कहूँगा कि देखिए, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, श्रम ज़्यादा होगा, परिश्रम ज्यादा लगेगा। इस सप्ताह आपको आपको ये लगेगा कि मेरे जो कॉलीग हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो कम मेहनत कर रहे हैं, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। उसके बदले में हो सकता है आप ये बोलें कि मुझे कम मिल रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। मैं आपसे एक बात यहाँ पर कहूँगा, यदि आपकी राशि मेष है तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा, आपको उसकी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। हो सकता है अभी ना मिले, इस सप्ताह ना मिले, आने वाले वक्त में मिले, आने वाले सप्ताह में मिले, लेकिन इस समय आपको मेहनत करना है, इस समय दूसरों को देखना नहीं है, इस समय कुछ कामना नहीं करना है। वो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ना कि माम अनुस्वर युद्ध च, मेरा स्मरण कर, मुझसे प्रेम कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे प्रेम कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, बाकी फल का देने वाला मैं हूं, लेने वाला मैं हूं। हाँ, तो सीधी सी बात यह है कि इसे आप इस सप्ताह लगाइए कि पॉजिटिव रहिए। मां मनुस्मरण, यदि भगवान का स्मरण करें तो भाई बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा। यदि आप आध्यात्मिक हैं तो इससे तो अच्छी बात कुछ है नहीं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम या भगवान के किसी भी रूप का स्मरण कीजिए, राधे राधे बोलते रहिए। लेकिन यदि आप उतने अपने आप को उतना अटैच नहीं समझते अध्यात्म से, तो कम से कम पॉजिटिव तो रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना काम करते चलिए। फल हो सकता है कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन आने वाले पीरियड में आज जो आपने मेहनत की है उसका फल जरूर मिल जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। अच्छा, मतभेद जरूर हो सकता है घर परिवार में, आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां बन सकती हैं, तो ये एक बात है। अच्छी बात मैं यहाँ पर यह जरूर कहूंगा कि आपका जो स्वास्थ्य है ना, वो बेहतर होगा। यदि स्वास्थ्य को लेके आप परेशान थे या स्वास्थ्य आपको तकलीफ दे रहा था, कोई अंग आपको परेशान कर रहा था, जैसे घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही है, आंखों में तकलीफ हो रही है, इस प्रकार से कोई अंग आपको परेशान कर रहा था, तकलीफ दे रहा था, तो वो तकलीफ या वो परेशानी यहाँ पर मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है, ये एक बात जरूर है। हाँ, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी चीज हुई है। आपकी जो बात आप रखते हैं ना किसी के सामने आप कोई बात बोलते हैं ना, तो इसमें ध्यान रखिए कि आपकी बात को गलत ना लिया जाए। आपकी बात को गलत लिया जा सकता है, ऐसा भी इस समय, इस सप्ताह मुझे योग दिख रहा है। तो या तो बोलिए नहीं, और बोलना है तो सोच समझ कर बोलिए। थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा आपको लग सकता है कि यार थोड़ा कठिन पीरियड है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला पीरियड आज की गई मेहनत का आपको फल दे देगा। चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य करना चाहेंगे, नए विचार आएगा, नई योजनाएं बनाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे भी, और जो भी नया आप सोचेंगे उस नए को आप जमीन पर भी उतारेंगे, और जब आप उसे जमीन पर उतारेंगे तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, सफलता भी मिल जाएगी।
तो ये वक्त ना बहुत अच्छा है वृषभ राशि वालों आपके लिए ना, ये वक्त लिटरली बहुत अच्छा वक्त है। आप जो भी नया सोच रहे हैं, आप उस नए जो भी आपने सोचा है उसे आप जमीन पर उतारिए, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। पॉजिटिव तो रहना ही है, मेहनत तो करना ही है, लेकिन यदि आप पॉजिटिव रह करके मेहनत करते हैं तो इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। हमेशा सफलता नहीं मिलती, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा ही मेहनत करो तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब आपका भाग्य होता है तब यदि आप पॉजिटिव होकर के मेहनत करते हैं तो सफलता मिल जाती है। जब भाग्य होता है तो नेगेटिव रह करके भी मेहनत करो तो सफलता मिल जाती है, लेकिन बात यह है कि जब आप नेगेटिव रहते हैं तो उस चीज को एंजॉय नहीं करते, उस सफर को भी एंजॉय नहीं करते और मंजिल को भी एंजॉय नहीं करते। हाँ, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये वक्त वृषभ राशि यदि आपकी है तो आपको सफलता देने वाला है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। खरीदी के योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जिसमें कि आप ऐसी चीजें खरीदें जिससे कि आपको लाभ हो। इसे मैं निवेश भी कह सकता हूँ। जैसे मैंने भवन तो कह दिया आपसे कि भवन खरीदी के योग है। हो सकता है आप वाहन भी खरीदें, आपके बिजनेस में कोई सामान, कोई चीज कुछ लग रहा था वो आप खरीदें। हाँ, जैसे अभी की एक बात है, मैंने ऐसा एक राशिफल में कहा था कि इस दिन दैनिक राशिफल में था कि खरीदी के योग है, तो वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, सर आपने राशिफल दिया और राशिफल आने से पहले ही हमने ये योजना बनाई थी। वो वीडियो क्रिएटर था, वो मतलब हमने ये योजना बनाई थी, कल कैमरा लेने जाना है और मैंने बहुत रिसर्च किया, बड़ा महंगा कैमरा लिया, 1.5 लाख समथिंग का कैमरा लिया। तो मैंने रिसर्च किया और बस मैंने सोचा कि कल जाना ही है और आपका राशिफल मैंने देखा कि एक दिन पहले आ जाता है शाम के समय राशिफल आने वाले दिन का, तो उसमें लिखा हुआ था खरीदी क्यों हो गया। मैंने कहा पक्का खरीदी हो जाएगी कल, और कल मैं गया और बिल्कुल आसानी से खरीदी हो गई और मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए था, क्योंकि वह गाँव में रहते थे, वहां से उनको एक शहर में जाना था, वहां जा करके उस कैमरे की शॉप थी, वहां जा करके उन्होंने वो कैमरा ले खरीद करके अपने गाँव या तहसील में शायद वो रहते थे, तो छोटे शहर में रहते थे तो वहां से वो लेकर के आए। तो ऐसे इस प्रकार के योग बनते हैं, तो आपके लिए भी मैं कहूंगा कि इस सप्ताह खरीदी के योग बन रहे हैं। हाँ, अच्छा समय, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत तो ज्यादा करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना जुलना हो, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो, प्रेम प्रसंग बने। यदि आप विवाह के लिए लड़का या लड़की खोज रहे हैं तो आपकी खोज इस सप्ताह पूरी हो। हो सकता है कि रिश्ता पक्का ना हो, लेकिन कम से कम आप उनसे पहली बार मिल लें, रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसे योग भी हैं, या फिर विवाह तय हो जाए, वैसे योग भी इस सप्ताह बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक गेट टुगेदर हो सकता है, कोई ऐसा प्रसंग हो जाए, कोई ऐसा ऐसा कोई प्रोग्राम हो जाए आपके परिवार का या दोस्तों का, रिश्तेदारों का, जिससे कि मिलना जुलना हो, जिससे कि गेट टुगेदर हो, ऐसे योग मिथुन राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बात हो गई। यात्राओं के योग भी हैं, जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यात्राएं आप कीजिए, बैठिए मत, यात्राएं कीजिए और यात्राओं से लाभ है। तो यदि आपने, मेरी सलाह है, यदि आपने पहले कोई यात्राएं टाल करके रखी थी कि नहीं भैया अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे, बाद में करेंगे, करिए, कीजिए, क्योंकि इस समय आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको लाभ दिलवा देगी। हाँ, चलिए संतान की तरफ से सुख संतान की तरफ से सुख मिलता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, धन, पैसे, इनकम, आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। यदि आप नौकरी करते हैं खास तौर पर, तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा आपके बॉस का, आपके रिश्ते, आपके आपके कॉलिग्स का, आपके सहकर्मियों का, आपको एप्रिसिएशन मिले। या फिर होता है ना, बहुत सारे ऑफिसेस में होता है ये कल्चर, और बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कल्चर। अधिकतर बैंक में हम जाते हैं तो वहां पर ये कल्चर होता है कि इस माह के या इस वीक के टॉप परफॉर्मर और उनकी फोटो होती है,
और सबके सामने, हाँ हम लोग जब जाते हैं तो सबके सामने एक बोर्ड होता है, उस पर उनकी बड़ी सी फोटो और उनके नीचे लिखा होता है कि उन्होंने क्या अचीव किया, क्या परफॉर्म किया। कई जगहों पर हम देखते हैं, इवन बड़े बड़े रेस्टोरों में हम देखते हैं कि ये अचीवर है। तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये अपने अपने कॉलिग्स का या अपने सहकर्मियों का, अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान दे रही है ये कंपनी या फिर ये जगह। तो वैसी कुछ स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। हाँ, एप्रिसिएशन मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई सफलता के योग है। हाँ ये वक्त, ये सप्ताह जो है, वेरी स्टार्टिंग से, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, पूरा जो सप्ताह, एक एक दिन जो है, ये आपको सफलता दिलवाने वाला है। आप किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या है, आप किस लायक हैं, आप किस लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का प्रतिफल, उस चीज को जो आप चाहते हैं, ये सप्ताह दिलवा दे, ऐसे योग आपके लिए, स्पेशली कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। थोड़े भावुक हो सकते हैं, हाँ चिंता में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं, ये स्थिति जरूर हो सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ जी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है। और एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, यहाँ पर तो सफलता है, यहाँ पर तो आपको मिल जाएगी पॉजिटिविटी। या फिर आप कोई, आपका कोई लक्ष्य था, कोई आप समाज सेवा करना चाहते थे, आप गृहिणी हैं, घर में कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपको अपने शरीर का ध्यान देना है। शरीर का ध्यान देने का मतलब ये कि आप कहीं रोड पर जा रहे हैं तो वाहन से कष्ट हो सकता है। खुद भी ट्रैफिक नियमों का, रूल्स का पालन करें और दूसरों से भी बच कर रहें। लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरा कहना ये बनता है कि इसे आप इस समय के लिए एटलीस्ट टाल दीजिए, क्योंकि ये आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं। और यदि लंबे समय से आप इसकी खरीदी के बारे में सोच रहे थे तो ये वक्त बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, ऑस्पिशियस है, इस समय आपको खरीदना भी चाहिए। अच्छा समय है आपके लिए भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। आपके इन्वेस्टमेंट कराने का ये वक्त है, इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा, साथ ही साथ आपने जो निवेश किए हैं, आपने जो इन्वेस्ट किए हैं, उन इन्वेस्ट का आपको पहले कहीं इन्वेस्ट करके रखे थे, तो ये वक्त उन इन्वेस्टमेंट्स का, उन निवेशों का प्रतिफल, रिटर्न्स आपको दिलवा देगा। और यदि कहीं आप इस समय नया निवेश करना चाह रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में, या फिर आप ट्रेडिंग में है ना, ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट की, किसी प्रकार की ट्रेडिंग हो, तो ये सप्ताह आपको इसमें लाभ दिलवाता हुआ मुझे नजर आता है, यदि आपकी राशि कर्क है तो अच्छा समय है। भावुक हो सकते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अन्यथा ये वक्त बहुत अच्छा है, पॉजिटिव, लाभ करवाने वाला है, ठीक है ना। चलिए कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, परिवार में कहीं ऐसे प्रसंग बने जिसमें आप जाएं और पुराने ऐसे लोगों से मिलना जुलना भी हो जिनसे आप बड़े लंबे समय से ना मिले हों या मिलना चाहते हो, तो वो भी है। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं या घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो उनसे भी विवाह आपका तय हो जाए, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। पदोन्नति के योग है, यदि आप नौकरी करते हैं तो इस सप्ताह पदोन्नति तय हो जाए, ये भी एक बात है। ना तय हो तो आप ऐसे कोई काम करें कि आप अपने हायर अथॉरिटी की नजर में आए। हाँ जी, ये भी एक अच्छी बात है। तो ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तारीफों का समय है ये, इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उसका आपको उतना पॉजिटिव, उतना अच्छा प्रतिफल, उतना अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हाँ तो लगे रहिए, मेहनत करते चलिए, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और जो चीज आप चाहते हैं उस चीज पर, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा था, तो आप बस उसको देखते रहिए, क्योंकि आपका इस प्रकार से पॉजिटिव रहना, आपका इस प्रकार से उसे देखना, बिल्कुल आपके लिए सफलताकारी होगा, मैं ये कह सकता हूं। सिंह राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, पढ़ाई लिखाई,
करियर, प्रतिष्ठा, इन सब के दृष्टिकोण से आपको लाभ करवाने वाला है। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही है, हमेशा मैं कहता हूँ मेहनत हर किसी को करना है, मैं भी करता हूँ, लेकिन जब भाग्य होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यह यहाँ पर आपका भाग्य है, ठीक है, आगे बढ़िए। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए थोड़ा तनाव जरूर आपको रहेगा, हाँ जी, तनाव की स्थितियां कहीं ना कहीं बनी रहेगी, चिंता की स्थितियां कहीं ना कहीं बनी रहेगी, सोच विचार दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहेगा, एंजाइटी लेवल हो सकता है थोड़ा इंक्रीज आपका हो जाए। और एक बात और ध्यान रखिए कि यदि कहीं आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हृदय संबंधी कोई समस्या है, डायबिटीज है, तो ये चिंता तनाव करने से बढ़ती हैं सारी समस्याएं। तो ध्यान रखिए कि ये समस्या आपकी बढ़ सकती है, इस बात पर जरूर फोकस रखिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कन्या राशि। हाँ, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जिसके लिए आप तनाव कर रहे हैं, जैसे एग्जाम, ये हम सबके साथ हुआ है ना, हम सबके साथ हुआ है, जब हमारी एग्जाम रही है तो अक्सर हम बड़े टेंशन में, तनाव में रहे हैं और दबाव में, प्रेशर में रहे हैं, लेकिन हम उस एग्जाम से निकल भी गए हैं, हम उत्तीर्ण हो गए, अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, आप कोई भी कुछ भी कार्य करते हो आप चिंता करेंगे, तनाव करेंगे, लेकिन जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, जिस चीज के लिए तनाव कर रहे हैं, उन चीजों में आपको ग्रोथ मिल जाएगी, उन चीजों में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, उन चीजों में आपको सफलता मिलेगी। तो चिंता जब सफलता ही मिल जाएगी तो चिंता तनाव करने की जरूरत क्या है, है कि नहीं? तो चिंता तनाव से आपको बचना चाहिए, ये समय चिंता तनाव का नहीं है, तनाव होगा लेकिन ये समय सफलता का है, तो सफलता होगी तो तनाव को हटा दीजिए। मेडिटेशन की, तनाव का सबसे अच्छा जो रास्ता है वो है मेडिटेशन। अच्छा, यदि आप आध्यात्मिक हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण जी पढ़ते हैं, है ना, या कुछ भागवतम सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे तो बिल्कुल चिंता तनाव खत्म हो जाएगी आपकी। तो अच्छा समय है, सफलता का समय है, जायदाद में वृद्धि करवाने वाला समय है, जायदाद में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। अब यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं और लंबे समय से आप पैतृक संपत्ति के हकदार हैं लेकिन आपको नहीं मिल पा रही थी, तो ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आपको पैतृक संपत्ति दिलवा दे। हाँ जी, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे ये बताता है कि आपको पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले, तो कम से कम बातें शुरू हो जाए कि हाँ आपको मिलना चाहिए, और फिर जो बातें शुरू हो तो पॉजिटिव ही आगे बढ़ती जाए और फिर एक समय पर जाकर के मिल जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग दिखते हैं। हाँ जी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब आप जो भी कार्य करते हो देख लीजिए कि हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे हो सकती है। हाँ, यदि आप गृहिणी भी हैं तो क्या होता है ना, कई बार मैंने ऐसी गृहिणियों को देखा है, आप भी इस चीज से रिलेट करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि घर में एक देवरानी है, एक जेठानी है। अब जेठानी जो है वो काम कर करके बिल्कुल घिस गई है, जिसको कहते हैं कि बड़ा काम कर लिया उसने, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और देवरानी आई और एक महीना, दो महीना, चार महीना, छः महीना हुआ, साल भर हुआ, और उसने जो काम किया उसकी तारीफ वहाँ वहाँ तक चली गई। मतलब जेठानी की तारीफ तो चार दीवारी भी नहीं सुन पाती, देवरानी की तारीफ जो है वो वहां वहां चली गई, जहां जहां जेठानी के बारे में बुराइयां भी जाती थी। तो क्या होता है ना, कई बार किसी की किस्मत में जस होता है, यश होता है। आप कुछ थोड़ा सा भी करो, मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। एक मैं किसी जगह पर गया था तो एक बच्ची थी, बच्ची मतलब बहुत छोटी नहीं थी, लगभग 20 साल की समथिंग होगी, 19 या 20 साल की होगी। तो उसकी स्कूटी चालू नहीं हो रही थी, सब ने प्रयत्न कर लिए, अच्छे अच्छे जो चलाते हैं स्कूटी, और सब लोगों ने, अच्छे अच्छे लड़कों ने भी प्रयत्न कर लिए, सब ने, पुरुषों ने प्रयत्न कर लिए, लड़कियों ने, महिलाओं ने प्रयत्न कर लिए। वो लड़की बच्ची ने बोला कि चलो अब मैं किसी को दिखाती हूँ, घिस करके ले जाती हूँ। मैंने कहा बताइए
मैंने उसकी स्कूटी लगाई और मैंने केवल एक हाथ रखा उस पे और मैंने एक कीक मारी, और एक जैसी एक कीक मारी वैसी चालू हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने बहुत अच्छे से बहुत टेक्निकली कुछ किया होगा तभी तो चालू हुई। नहीं जी, यश था, वो हाथ लगाया, पैर मारा, चालू हो गई। मैंने कहा वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, और जबरदस्ती वाह वाही फैल गई कि देखो किसी से चालू नहीं, उनसे चालू हो गई। तो चालू कैसे हो गई, कुछ किया था क्या मैंने, क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। वो बेचारी बच्ची की मेहनत बच गई, उसने भी बड़ा धन्यवाद दिया। अब धन्यवाद मैं लूं तो किस तरह से लूं, मैंने किया ही था क्या? उस बच्ची ने उन सबको धन्यवाद नहीं दिया जो उसके लिए मेहनत कर रहे थे और बड़ी मेहनत की, हाँ, और मुझे धन्यवाद दिया जिसने कोई खास मेहनत नहीं की। तो ये होता है यश, ये होता है जस। तो एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को कुछ लगा नहीं, लेकिन वो लोग सोच सकते थे ना हमने इतनी मेहनत की, लड़की ने हमको धन्यवाद नहीं दिया और उसने बड़ा हाथ रख दिया और उसने उसको धन्यवाद दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये किस्मत का विषय है, हाँ, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अच्छा समय है, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला समय है, पद को, धन को, पैसों को भी बढ़ाने वाला समय है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बने ऐसा भी योग है, लेकिन धोखा मिले ऐसा भी योग है। हाँ जी, आपकी राशि वृश्चिक है तो धोखा भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान दीजिए, इस बात पर ध्यान रखिए। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो भी ध्यान रखिए, धोखा मिल सकता है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है ना, तो ये एक बात है। हालांकि आय इनकम जो प्रॉपर होती रहती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकम होती रहेगी, आय होती रहेगी, पैसा आता रहेगा, तो उस बात को लेकर के, उस चीज को लेकर के मुझे आपके साथ कोई भी समस्या आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो इस बात पर भी आपको गौर करना है कि कहीं मतभेद ना हो, कहीं आर्ग्यूमेंट्स ना हो, है ना, ये भी एक बात है। और खर्चे आपके यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं, तो अपने खर्चों पर भी आप संयम बरतें, या फिर किसी को अपनी बहुमूल्य, अमूल्य, महंगी बातें या जानकारी, जैसे आजकल पासवर्ड्स होते हैं, ओटीपी होते हैं वगैरह वगैरह, ये ना बताएं। कोई कितना भी आपको अपना लग रहा हो, है ना, आप ना बताएं, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। मेरी इस बात का इस समय, इस सप्ताह, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो जरूर ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लिखा, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, लाभकारी है। यदि कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल प्रतिफल पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, मान में वृद्धि के योग है, उत्साह में वृद्धि के योग है। ये समय आपको कुछ दिलवाने वाला है, ये समय आपको दिलवाएगा, ये समय आपका पहले जो चीज छीन ली गई थी, या जो चीज नहीं मिल रही थी, या कहीं पैसा फंस गया था, या आप जिसके लिए मेहनत कर रहे थे वो काम नहीं हो पा रहा था, या कोई काम आपका अटक गया था, तो यहाँ पर वो अटका हुआ कार्य, रुका हुआ कार्य व फंसा हुआ पैसा निकलने के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं। पहले कोई रोग या बीमारी आपको परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, तो वो बीमारी या वो रोग यहाँ पर खत्म हो जाए ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत बहुत लाभकारी है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, मेहनत तो करना ही है भाई, देखो बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है, मेहनत तो करना ही है, लेकिन जितनी मेहनत आप करेंगे उसका प्रतिफल भी आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा, ये भी एक बात है। ठीक है, चलिए, तो ये धनु राशि की बात थी। धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आपका जाना हो, स्थानांतरण हो, शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग हो, मांगलिक कार्य हो, ये भी एक बात है, तो ऐसा भी है। लेकिन स्थानांतरण या यात्राएं
जिन उद्देश्य से की जा रही है, मकर राशि वालों के लिए कह रहा हूं, मकर राशि वालों की बात कर रहे हैं कि जिन उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं, जिन उद्देश्य से आपका स्थानांतरण हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, यात्राओं से आपको लाभ मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए ये वक्त और उन्नति करवाने वाला है। हालांकि खर्चा होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये खर्चा आपको आपको फाइनेंशियली डाउन नहीं करेगा। ये खर्चा एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट होगा। देखो, जरूरी नहीं कि हर खर्चा ही खराब है, हाँ हर खर्चा खराब नहीं होता, बहुत सारे खर्चे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। मेरे पास एसी लगा हुआ है, तो अब ये खराब खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। ये मुझे आपको मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ सारी चीज़ें, या समझा पा रहा हूँ, मैं एनालिसिस करता, तो मुझे अच्छा माहौल देता है, मैं शांति के साथ, सुकून के साथ वो चीज़ कर पाता हूँ। ऑब्वियसली एक समय था जब ऐसी नहीं थे या ऐसी नहीं होते थे, उसमें भी हमने किया है, लेकिन अब यदि शारीरिक सुख मिल रहा है जो और आसान जिसने कर दिया है, तो वो खर्चा हमने कर लिया, इसके बिना भी काम कर सकते थे, ये आ गया तो थोड़ी और राहत मिल गई और शांति मिल गई और सुकून मिल गया और सुख मिल गया, है ना। चलिए मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल की चिंताएं आपको सता सकती हैं। हाँ जी, मेंटली आप तनाव में आ सकते हैं, फिजूल की चिंता में आप आ सकते हैं। और एक बात और यहाँ पर मैं कहूँगा कि यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब यात्राएं ना आप ना करें, मैं ये जरूर कहूँगा, अधिकतर लोगों के लिए मैं कहता हूँ, राशियों के लिए कहता हूँ यात्रा कीजिए, आपके लिए मैं कहूँगा ना करें, क्योंकि चिंता के समय के योग है। तो आप जो भी कार्य करने जाएंगे, नया कार्य हो सकता है, उसमें आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले, तो कहीं ना कहीं निराशा आ जाए, ये है। आपका जो कार्य ऑलरेडी चल रहा था, जो पहले से आप कार्य कर रहे थे, वो कार्य आप करते चलिए, उसमें आपको जरूर से लाभ देखने को मिल जाएगा। हाँ, भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के योग जरूर बनते हुए नजर आते हैं, या फिर नया इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं अपने जगह पर रह करके, नई जगह पर जाकर के नहीं, जगह पर रह करके, तो आप कर सकते हैं। और भवन भूमि भी ऐसी जगह पर दूर जाकर के मत खरीदिएगा, आपके शहर दूर कहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए सप्ताह का, और आपके शहर में है तो हाँ इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता के योग है, तनाव के योग है। हाँ जी, मन में चिंता या तनाव कहीं ना कहीं बना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसी ये स्थिति ना बिगड़ जाए, वो कहीं बुरा ना मान जाए, ऐसी स्थितियां बनती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तनाव में हैं, वो चिंता, वो परेशानी, वो तनाव आपका खत्म भी होगा, क्योंकि आप वो चीज होगी नहीं जिस चीज को लेकर के आप परेशान हैं। मतलब जो वर्स्ट प्रॉब्लम चल रही है, वर्स्ट केस जो चल रहा है, वो वर्स्ट केस होगा ही नहीं आपके साथ, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा होगा ही नहीं। तो चिंता तनाव से पहली बात तो निकल जाइए। दूसरी बात, मन में नुकसान हो जाने का भय, नुकसान हो जाने का डर जरूर आपको सताएगा, लेकिन वो डर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। तो चूंकि बहुत अच्छा है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप मेहनत करते चलें, पॉजिटिव रहें, और जो भी आपको मिल रहा है उसे आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। मेहनत तो करना ही है, लेकिन पॉजिटिव रहिए। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी, मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल बताया, वीकली होरोस्कोप बताया। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल पसंद आया है तो मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।